हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलिया सर, और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.3 के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो चलिए लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर वन हमको यहां पर दिया है, इफ़ ए बाय बी इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। सो जो दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमको दिया है ए बाय बी इज इक्वल टू 7/3, वो लिख देता हूँ मैं। अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन के कैसे हमको सॉल्व करना है, उस हिसाब से इस फ्रैक्शन को हमको चेंजेस करना है। तो अगर यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन में, तो ए के आगे हमको 5 चाहिए और बी के आगे हमको चाहिए 3। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए के आगे 5 कैसे आ सकता है, बाय मल्टीप्लाइंग। सो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब आप एक फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पर, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5/3। 5/3 इसलिए क्योंकि ए के सामने 5 चाहिए और बी के सामने 3। सो 5/3 को आपको मल्टीप्लाई करना है ए बाय बी से, वो लिख देता हूँ, और 5/3 आपको मल्टीप्लाई करना है 7/3 से भी। तो 5 इंटू ए हो जाएगा 5A, 3 इंटू बी हो जाएगा 3B, 5/7 हो जाएगा 35 और 3/3 हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि 5A प्लस 3B को एक बार ऐड करना है और 5A 3B को एक बार सेपरेट करना है। तो ये दोनों को अगर एक बार ऐड एक बार सेपरेट करना है, तो वहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, वो है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये पूरा एक्सप्लेन किया है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसे हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर वो फ्रैक्शन ऐड हो जाएगा। सो 5A प्लस 3B और नीचे हो जाएगा 5A माइनस 3B। जैसे आपने लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई किया, वैसे वो प्रॉपर्टी राइट हैंड साइड को भी अप्लाई हो जाएगा। सो 35 प्लस 9 अपॉन 35 माइनस 9। सो ये लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे ही रहेगा, 5A प्लस 3B अपॉन 5A माइनस 3B, और जो सॉल्व हो सकता है फ्रैक्शन उसको सॉल्व करते हैं। 35 प्लस 9 विल बी 44 और 35 माइनस 9 विल बी 26। तो ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2 के, तो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, 5A प्लस 3B अपॉन 5A माइनस 3B का। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर दिया है 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर। हमें फ्रैक्शन वही यूटिलाइज करना है, A बाय बी इज इक्वल्स टू 7/3। अब अगर क्वेश्चन में स्क्वायर या क्यूब होता है, तो पहले आपको वो सॉल्व करना होता है। तो अगर A के ऊपर मुझे स्क्वायर लाना है और B के ऊपर स्क्वायर लाना है, तो मैं करूँगा स्क्वायरिंग टू बोथ द साइड। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड या स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वायर करते हैं, ए बाय बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/3 होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब यहाँ ए स्क्वायर के सामने हमको वैल्यू चाहिए 2 और बी स्क्वायर के सामने हमको वैल्यू चाहिए 3। सो यहाँ पर कैसे आ सकता है वो, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए के सामने हमको चाहिए 2, तो ऊपर लिख देता 2, बी स्क्वायर के सामने हमको चाहिए 3। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2/3। सो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/3 इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 49/9। सो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर विल बी 2 ए स्क्वायर, 3 इंटू बी स्क्वायर विल बी 3 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 इंटू 2 विल बी 98 एंड 9 3 विल बी 27। अब हमें क्या करना है, ये 2A प्लस 3B को एक बार ऐड करना है और 2A और 3B को एक बार सेपरेट करना है। तो वो कैसे हो सकता है, सो वो हो सकता है बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो, जैसे हमने पहले अभी सॉल्व किया था। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको एग्जामिनेशन में पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा ताकि हमारा यहाँ पर टाइम बच जाए, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। सो एक बार एडिशन करते हैं, 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर। जैसे लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, वैसे राइट हैंड साइड का हो जाएगा। सो 98 प्लस 27 डिवाइडेड बाय 98 माइनस 27। तो ये इस तरह से आ जाएगा कि 2A स्क्वायर प्लस 3B स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर माइनस 3B स्क्वायर।
इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 125, और इन दोनों को अगर आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 71। तो ये हमारा फाइनल आंसर है फॉर द गिवन क्वेश्चन। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब, तो जो फ्रैक्शन हमको दिया है उसी को हमको यूटिलाइज करना है। ए बाय बी इज इक्वल्स टू 7/3। अब ए के और बी के ऊपर क्यूब चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, क्यूबिंग टू बोथ द साइड। आप एक साइड नहीं कर सकते इसलिए हम दोनों साइड लिखेंगे क्यूबिंग टू बोथ द साइड। तो जैसे ही आप क्यूब कर देते हैं, क्यूबिंग टू बोथ साइड, जैसे ही आप क्यूब लेंगे तो ए बाय बी इसका क्यूब आ जाएगा और 7/3 इसका भी क्यूब आ जाएगा। ए का क्यूब होता है ए क्यूब, बी का क्यूब हो जाएगा बी क्यूब, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। तो अब हमें क्या करना है, हमें ए क्यूब के साथ माइनस बी क्यूब चाहिए, यानी ये वैल्यू नीचे की ऊपर ले जाके हमको सेपरेट करना है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी बाय डिविडेंडो। तो जैसे ही आप डिविडेंडो अप्लाई करेंगे इसके ऊपर तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाय बी क्यूब इज इक्वल्स टू 343 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 27। तो लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही रहेगा, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय बी क्यूब। 343 माइनस 27 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर हो जाएगा 3, इट विल बी 6, इट विल बी 1, इट विल बी 3, तो ये हो जाएगा 316 डिवाइडेड बाय 27। अब अगर ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं जाते तो यही हमारा फाइनल आंसर है। चलिए चलते हैं बीट नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो यहाँ पर दिया है 7a+9b और 7a-9b। जैसे फर्स्ट वन हमने सॉल्व किया था वैसे ही सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। सो जो फ्रैक्शन दिया है वो a बाय बी इज इक्वल्स टू 7/3। अब a के सामने हमको क्या चाहिए, a के सामने हमको 7 चाहिए, b के सामने हमको चाहिए 9। तो क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 7/9, क्योंकि ए के सामने 7, बी के सामने 9 चाहिए। तो 7/9 इंटू ए बाय बी इज इक्वल्स टू 7/9 इंटू 7/3। सो 7 इंटू ए विल बी 7a, 9 इंटू बी विल बी 9b, 7 ज़ा विल बी 49 एंड 9 3 ज़ा विल बी 27। अब क्या करना है, दोनों को एक बार ऐड करना है, एक बार सेपरेट करना है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होती है आपको पता है, तो वहाँ पर लिख देंगे हम बाय कंपोनेंट डिविडेंडो। जैसे ही आप कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 7a+9b अपॉन 7a-9b इज इक्वल्स टू 49+27 अपॉन 49-27। लेफ्ट हैंड साइड जैसा है वैसे ही रहेगा, 7a+9b अपॉन 7a-9b इज इक्वल्स टू 49 में आप 27 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7, तो 76। और जैसे ही आप इसे सेपरेट करेंगे 49-27 तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पर बचा 22। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 7a+9b अपॉन 7a-9b इज इक्वल्स टू, ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं वो है 2 के, 2 3 6, 2 8 16, 2 1 2, 2 1 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है 38/11। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्वेश्चन दिया है 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल्स टू 47/7, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। अब यहाँ पर हमको a बाय b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे फ्रैक्शन देके आपको a बाय b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो करना होता है जो गिवन फ्रैक्शन है उसका। तो यहाँ पर गिवन फ्रैक्शन है 15a² + 4b², तो इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो कर देंगे तो एक बार ये ऐड हो जाएगा, तो 15a² - 4b² डिवाइडेड बाय, इसका एक बार सबट्रैक्शन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 15a² + 4b² - 15a² - 4b² इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड का भी एक बार एडिशन एक बार सबट्रैक्शन हो जाएगा, 47+7 डिवाइडेड बाय 47-7। अब अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस होता है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है, तो अंदर के जो साइन होते हैं वो एज इट इज रहेंगे। तो 15a² + 4b² +
15a² - 4b² डिवाइडेड बाय, अब अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है जहाँ पर, जैसे यहाँ पर साइन है इस ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, तो नीचे मैं लिख दूंगा 15a² + 4b². अब ये प्लस 15 है तो ये हो जाएगा माइनस 15, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -15a², ये साइन माइनस है तो हो जाएगी प्लस, प्लस 4b² = 47 + 7 हो जाएगा 54, और 47 - 7 हो जाएगा 40। यहाँ पर जो सेम टर्म्स दिख रहे हैं अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4b² - 4b² प्लस 15a² - 15a² विल गेट कैंसिल, जो बचा है वो लिख देता हूँ 15a² + 15a² डिवाइडेड बाय 4b² + 4b², ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वही 2 के 2 2 ज़ा 4 2 7 ज़ा 14 2 2 ज़ा 4 2 0 ज़ा 0, इनको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30a² डिवाइडेड बाय 8b² इज इक्वल्स टू 27/20। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 30/8 इंटू a² / b² इज इक्वल्स टू 27/20। इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि हमको a बाई बी अलग करना था, तो ये हो जाएगा a² / b² इज इक्वल्स टू 27/20 इंटू रेसिप्रोकल होकर हो जाएगा 8/30। ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 4 के 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हुए 3 के 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 2 से आप 10 को कैंसिल कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो a² / b² इज इक्वल्स टू, ऊपर से बचा 9 × 1 यानी 9, नीचे से बचा 5 × 5 यानी 25। अब हमको a बाई बी की वैल्यू चाहिए, a² / b² की नहीं, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट कर सकते हैं या ये स्क्वायर रूट स्क्वायर उधर भेज दीजिए आप, तो a बाई बी इज इक्वल्स टू √9/√25। सो a बाय बी विल बी इक्वल्स टू 3/5। तो ये हमारा आंसर रहेगा a बाई बी किया, दैट इज 3/5। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप यहाँ देखेंगे तो वहाँ पे दिया है 7a - 3b एंड 7a + 3b, जो हमने a बाई बी का वैल्यू अभी फाइंड आउट किया था फर्स्ट रूम में, वही यूटिलाइज करके इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो a बाई बी इज इक्वल्स टू 3/5। अब a के सामने हमको चाहिए 7 और b के सामने हमको चाहिए 3, तो यानी 7/3। सो मल्टीप्लाइंग both side by 7/3, तो जैसे ही आप 7/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हो जाएगा 7/3 इंटू ए बाई बी इज इक्वल्स टू 7/3 इंटू 3/5। सॉल्व कर दीजिए, 7 × a विल बी 7a, 3 × b विल बी 3b इज इक्वल्स टू 3 एंड 3 विल गेट कैंसल, इट विल बी 7/5। अब हमको एक बार एडिशन चाहिए, एक बार सप्रैक्शन चाहिए, तो हम कैसे करेंगे, हमको पता है बाय कंपोनेंटो डिविडेंडो, क्योंकि इसी से एक बार ऐड एक बार सप्रेड आप कर सकते हैं। सो जैसे ही आप कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 7a + 3b / 7a - 3b इज इक्वल्स टू 7 + 5 / 7 - 5। सो इट विल बी 7a + 3b / 7a - 3b इज इक्वल्स टू 7 + 5 विल बी 12 एंड 7 - 5 विल बी 2। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा। सो 7a + 3b / 7a - 3b इज इक्वल्स टू 6/1। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया है अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारी ऊपर साइन माइनस चाहिए और नीचे प्लस चाहिए, तो हमारा तो वैसे आंसर नहीं है। तो अगर ये नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लेकर जाना है तो वहाँ पे भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, वो है बाय इनवर्टेंडो। तो जैसे ही आप इसे इनवर्टेंडो कर देंगे आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, तो 7a - 3b / 7a + 3b विल बी इक्वल्स टू 1/6, और यही हमारा फाइनल आंसर है सेकेंड वन का। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है b² - 2a² एंड b² + 2a² इसे गौर कीजिए कि यहाँ पे सबसे पहले b आ रहा है, a नहीं, तो हमारा वैल्यू है a बाई बी का, a बाई बी इज इक्वल्स टू 3/5। अगर हमें b पहले चाहिए तो ये b को हमें ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, सो यहीं पर कर देते हैं बाय
इन्वर्टेंडो। तो जैसे ही आप इसे इन्वर्टेंडो कर देंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बी बाय ए इज इक्वल्स टू 5/3, राइट हैंड साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब बी के ऊपर भी स्क्वायर चाहिए और ए के भी ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड। तो जैसे ही आप स्क्वेयर कर देंगे दोनों साइड, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर बी के सामने हमें कोई अल्फाबेट नहीं चाहिए, लेकिन ए के सामने हमको क्या चाहिए, 2। तो अगर ए के सामने 2 चाहिए और बी के सामने कुछ नहीं चाहिए, तो ऊपर तो कोई वैल्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे 1 रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। 1/2 इसलिए क्योंकि 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो 1/2 इनटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू 25/9। सॉल्व करते हैं इसे, सो इट विल बी बी स्क्वायर, 1 इनटू बी स्क्वायर विल बी बी स्क्वायर एंड 2 इनटू ए स्क्वायर विल बी 2 ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 1 25 और 9 2 हो जाएगा 18। अब हमें क्या करना है, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, ये कैसे हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर्टी है बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो। आप कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करते हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18। इसे सॉल्व कर देंगे, बी स्क्वायर माइनस प्लस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 में अगर आप 18 ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 43, और इसमें से अगर आप माइनस कर देंगे 25 में से 18 तो ये हो जाएगा 7। अब हमें माइनस वाला साइन ऊपर चाहिए और प्लस वाला साइन नीचे, तो अगेन बाय इन्वर्टेंडो। तो जैसे ही आप इन्वर्टेंडो करते हैं ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/43, और ये हमारा फाइनल आंसर है थर्ड वन का। चलिए चलते हैं बिट नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है बी क्यूब माइनस 2a क्यूब एंड बी क्यूब प्लस 2a क्यूब, सेम क्वेश्चन है जैसे सेकंड वन है वैसे ही, सिर्फ स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमको दिया है क्यूब। सो a बाय बी इज इक्वल्स टू 3/5, क्योंकि b पहले चाहिए तो मैं यहीं पर इन्वर्टेंडो कर दूंगा, सो बाय इन्वर्टेंडो। तो जैसे ही आप इन्वर्टेंडो करते ये हो जाएगा b बाय a इज इक्वल्स टू 5/3, क्यूबिंग टू बोथ द साइड, क्योंकि हमको क्यूब चाहिए, सो क्यूबिंग टू बोथ साइड। जैसे ही आप इसे क्यूब कर देंगे b का क्यूब हो जाएगा b क्यूब, a का क्यूब हो जाएगा a क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 और 3 का क्यूब हो जाएगा 27। अब हमें क्या करना है, a के सामने 2 चाहिए और b के सामने कुछ नहीं चाहिए, मतलब 1 चाहिए। सो मल्टीप्लाइंग, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने सेकेंड थर्ड वन सॉल्व किया, सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। तो जैसे ही आप 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 इंटू बी क्यूब बाय ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 125/27। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा बी क्यूब और नीचे आ जाएगा 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 1 विल बी 125 एंड 27 इंटू 2 विल बी 54। अब हमें क्या करना है, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, सो बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो ये हो जाएगा एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, सो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब इज इक्वल्स टू 125 प्लस 54 एंड 125 माइनस 54। तो बी क्यूब प्लस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब माइनस 2a क्यूब 125 प्लस 54 ये हो जाएगा आपका 179, और अगर आप इसे ऐड सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 71। तो अब हमें जो है ये माइनस वाला टर्म ऊपर चाहिए, तो हम करेंगे बाय इन्वर्टेंडो। जैसे ही आप इसे इन्वर्टेंडो कर देंगे तो जो नीचे वाला टर्म है ऊपर चला जाएगा, तो बी क्यूब माइनस 2a क्यूब अपॉन बी क्यूब प्लस 2a क्यूब विल बी इक्वल्स टू 71/179, और ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा बीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको क्वेश्चन दिया है कि इफ 3a प्लस 7b अपॉन 3a माइनस 7b इज इक्वल्स टू 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन रेशियो, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर एंड 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर। अब अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमको पता है कि हमको कंपोनेंट और डिविडेंडो करना है, और
ए बाई बी की वैल्यू निकालने समय करता हूँ कंपोनेंट और डिविडेंडो, ताकि हमको ए बाई बी की वैल्यू मिले। सो बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a प्लस 7b, इसको एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस 3a माइनस 7b। न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार ऐड कर लिया, अब न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर को एक बार सेपरेट करते हैं, तो 3a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 7b, राइट हैंड साइड भी वैसे ही हो जाएगा, 4 प्लस 3 एंड 4 माइनस 3। इसे ब्रैकेट के बाहर निकालते हैं, तो 3a प्लस 7b, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो एज इट इज आएगा, तो 3a माइनस 7b, नीचे डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3a प्लस 7b, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज, तो माइनस 3ab प्लस 7b इज इक्वल्स टू 7/1। जो सेम टर्म्स है अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल, प्लस 7b माइनस 7b, प्लस 3a माइनस 3a 6a बाय, एंड 7b प्लस 7b विल बी 14b इज इक्वल्स टू 7/1। अब हमको क्योंकि a बाय बी की वैल्यू निकालना है, तो 6/14 को अलग ले लेता हूँ, 6/14 इंटू ए बाय बी इज इक्वल्स टू 7/1। ये 6 और 14 एक ही टेबल में जाते हैं, 2 3 ज़ा 2 7 ज़ा, सो ए बाय बी इज इक्वल्स टू 7/1 इंटू, ये उधर आ जाएगा तो हो जाएगा 7/3। सो ए बाय बी की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 49/3। अब हमको इस वैल्यू को क्या करना है, ये जो हमको क्वेश्चन इक्वेशन दिया है इसमें हमको सॉल्व करना है। तो चलिए फिर इसे स्क्वेयरिंग करते हैं, क्योंकि ए के और बी के ऊपर हमको स्क्वेयर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, जैसे ही आप इसे स्क्वेयर कर देंगे, स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड, तो स्क्वेयर करते हैं, ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब हमें क्या करना है, ए के सामने 3 चाहिए, बी के सामने 7 चाहिए, तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3/7। 3/7 इसलिए क्योंकि ए के सामने हमको 3 चाहिए और बी के सामने हमको 7, तो ऊपर 3 लिखा है नीचे 7 लिखा है, सो 3/7 इंटू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3/7 इंटू 2401 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 और 7 3 ज़ा 21, यानी ऊपर से बचा है 343 और नीचे हमारे पास है 3। अब हमें इस फ्रैक्शन को क्या करना है, इस फ्रैक्शन को हमें करना है एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट, तो एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट करने के लिए हम यूज़ करेंगे बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो जैसे ही आप इसे कंपोनेंट और डिविडेंडो कर देंगे, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 343 प्लस 3 और 343 माइनस 3, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 346 डिवाइडेड बाय 340। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, वो है 2 के 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 0 ज़ा 0, तो ये आंसर आ जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 7b स्क्वायर अपॉन 3a स्क्वायर माइनस 7b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 173 डिवाइडेड बाय 170। तो यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा बीट नंबर 3 का, 173/170। चलिए चलते हैं इसके बीट नंबर 4 की तरफ। बीट नंबर 4 अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्वेश्चन दिया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है हमको एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 अपॉन 2x प्लस 3। अब इस इक्वेशन में इस तरह के अगर हमको इक्वेशंस दिए जाते हैं, यानी फ्रैक्शंस दिए जाते हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें न्यूमिरेटर में और डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है वो सेम करना है। जैसे न्यूमिरेटर में आपके पास है 12x माइनस 20 और डिनोमिनेटर में आपके पास है 3x माइनस 5, तो ये 3x माइनस 5 को भी हमको 12x माइनस 20 करना पड़ेगा। और वैसे ही इस फ्रैक्शन की अगर बात करेंगे तो न्यूमिरेटर में दिया है 8x प्लस 12 और डिनोमिनेटर में दिया है 2x प्लस 3, तो ये जो 2x प्लस 3 है इसे भी हमें 8x प्लस 12 करना है। तो अगर ये 3x माइनस 5 को हमें 12x माइनस 20 करना है तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर ये 2x प्लस 3 को भी हमें 8x प्लस 12 करना है तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ऐसे लिख दीजिए कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4, आप 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 अपॉन 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3। सॉल्व कर देंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 डिवाइडेड बाय, अब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12x माइनस 20, बिकॉज 3 4 12 एंड 4 5 20 इज इक्वल्स टू, ऊपर कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x एंड 4 3 जा विल बी 12। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12x माइनस 20 सेम हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है ऊपर ले जाके सेपरेट कर देंगे, तो नीचे की वैल्यू अगर ऊपर ले जाके हमें सेपरेट करनी है तो वहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज होती है वो कंपोनेंटो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय कंपोनेंटो। जैसे आप इसे कंपोनेंटो कर देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 माइनस 12x माइनस 20 होल डिवाइडेड बाय 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 8x प्लस 12। अब इसे ब्रैकेट के बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20। ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन आती है तो अंदर के सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, तो माइनस 12x प्लस 20 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू, इसे भी ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 माइनस 8x माइनस 12। ऐसा इसलिए क्या है क्योंकि न्यूमेरेटर में हमको वैल्यूज कैंसिल करने हैं, तो यहाँ जो सेम वैल्यू अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल कर देंगे, प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल, माइनस 20 प्लस 20 कैंसिल, प्लस 8x माइनस 8x कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल, जो बचा है वो लिख देता हूँ, न्यूमेरेटर से बचा है एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से बचा है 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर न्यूमेरेटर से और डिनोमिनेटर में से है 8x प्लस 12। तो अब हमें ये एक्स स्क्वायर को भी कैंसिल करना है, तो अगर ये एक्स स्क्वायर को कैंसिल करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों टर्म को बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाय 8x प्लस 12। दिस एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बचा है हमारे पास 1 बाय 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 1 बाय 8x प्लस 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 12x माइनस 20 वन जा विल बी 12x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 12 वन जा 8x प्लस 12। बीच में इज इक्वल्स टू साइन आती है तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई नहीं किए जाते, लाइक टर्म्स एक जगह लेंगे, 12x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 20, नंबर लाइक टर्म और वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो लाइक टर्म, सो 12x माइनस 8x विल बी 4x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 20 विल बी 32, x इज इक्वल्स टू 32 डिवाइड बाई 4, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 8 और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा फॉर द फर्स्ट वन। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 अपॉन 5x स्क्वायर माइनस 25 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। यहाँ पर हमें क्या करना है, जिसमें 3 टर्म्स है उसे न्यूमेरेटर में रखना है, जिसमें 2 टर्म्स है उसे डिनोमिनेटर में करना है, तो ये दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। तो कैसे इंटरचेंज करते हैं हमको पता है, बाय अल्टरनेंडो। जैसे ही आप इसे अल्टरनेंडो करेंगे क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे वाले टर्म से उसे ऊपर वाले टर्म से मैच करना है, तो किसी से मल्टीप्लाई करके 2x प्लस 3 15x प्लस 63 नहीं हो सकता, तो इसमें कन्वर्ट ना करते हुए हम इसे इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि 2x प्लस 3 कन्वर्ट हो सकता है 10x स्क्वायर प्लस 15x में। तो यहाँ दोनों फ्रैक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 बाय 5x से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग वो साइड बाय 1 बाय 5x, सो मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय 5x इंटू 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 बाय 5x इंटू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। न्यूमेरेटर में कोई चेंजेस नहीं है तो यहाँ पर वही आंसर आ जाएगा कि 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 डिवाइडेड बाय, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 5 टू जा 10 एक्स इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर एंड 5 थ्री जा 15 और वैल्यू है x की, तो वहाँ पर x लिखेंगे। राइट हैंड साइड में भी ऊपर कोई चेंजेस नहीं है, तो 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 और डिनोमिनेटर में रहेगा 5x इंटू एक्स विल बी 5x स्क्वायर
माइनस फाइव फाइव जै 25 और x का x। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो न्यूमेरेटर से 10x स्क्वायर प्लस 15x और डिनोमेटर से 10x स्क्वायर प्लस 15x ये सेम हो चुका है। यहाँ पर भी 5x स्क्वायर माइनस 25 और 5x स्क्वायर माइनस 25x सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो जैसे ही आप ये करते हैं वो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 15x होल डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12, ये फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर माइनस 25x ये हमारा सेकेंड ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 25x। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 63 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 15x होल डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 12 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 25x होल डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 25x। जो सेम टर्म है अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल, प्लस 15x माइनस 15x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 25x और माइनस 25x कैंसिल। तो ऊपर से बचा है 63 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचा है 12, सो 12 डिवाइडेड बाय 5x स्क्वायर माइनस 25x। तो आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 63 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 25x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10x स्क्वायर प्लस 15x। तो इसे सॉल्व करते हैं, 63 इंटू 5x स्क्वायर अगर आप कर देंगे तो वो हो जाएगा 515x स्क्वायर और 63 को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 1575x इज इक्वल्स टू 12 टेन हो जाएगा 120x स्क्वायर प्लस 12 इंटू 15 आप करेंगे तो वो हो जाएगा 180x। लाइक टर्म्स एक जगह ला लेंगे, 315x स्क्वायर माइनस 120x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 180x प्लस 1575x। सॉल्व कर देते, 315x square माइनस 120x square विल बी 195x square इज इक्वल्स, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 1755। तो यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 1755x डिवाइडेड बाय 195x। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 और वही हमारा फाइनल आंसर है फॉर द सेकंड क्वेश्चन। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे दिया है 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 17/8। इस तरह के अगर टर्म्स आपको दिए जाते हैं तो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो करना होता है। सो मैं लिख देता हूँ बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो जैसे ही आप कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये है हमारा न्यूमरेटर तो इसे एक ब्रैकेट दे देते हैं, प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये है हमारा डिनोमिनेटर इसे एक ब्रैकेट दे देंगे, होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपको ऐसे ही लिखना है, सिर्फ यहाँ जो प्लस साइन है वो माइनस हो जाएगी और राइट साइड में हो जाएगा 17 प्लस 8 एंड 17 माइनस 8, इसे ब्रैकेट के बाहर निकाल देते तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर के सारे साइन चेंज, अंदर के सारे साइन मतलब ये जो अंदर साइन है वो चेंज हो जाएगी, तो इट विल बी 2x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ जो सेम टर्म्स है डिफरेंट साइन के साथ वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं, जो बच गया वो लिख देंगे, तो यहाँ पे बचा है 2 टाइम्स 2x प्लस 1 होल स्क्वायर एंड 2 टाइम्स 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस 2 एंड 2 विल गेट कैंसिल, इट विल बी 25 डिवाइडेड बाय 9। स्क्वायर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 25 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 9। सो रूट ऑफ 25 हमको पता है वो होता है 5, सो 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 और रूट 9 का वैल्यू होता है 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2x प्लस 1, सो 10x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 6x
प्लस थ्री, लाइक टर्म्स एक जगह लेंगे 10x माइनस 6x इज इक्वल टू 3 प्लस 5, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8/4, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 2, और यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे अभी हमने थर्ड वन सॉल्व किया सेम वैसे ही है, तो मैं लिख देता हूँ बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो जैसे आप इसे कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे, ये दोनों एक बार ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर में, और डिनोमेटर में ऐसे ही लिखकर उसका सब्ट्रैक्शन लेना है। प्लस साइन की जगह हमारे आ जाएगी माइनस। राइट हैंड साइड को भी हम लोग कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे, तो 4+1 एंड 4-1 इट विल बी, ब्रैकेट के बाहर वैल्यू ले लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर न्यूमरेटर में एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब डिनोमेटर में यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो यहाँ की साइन चेंज हो जाएगी, ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी लाइक दिस। और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/3। तो अब जो सेम टर्म दिख रहे हैं अलग अलग साइन के साथ, वो हम लोग कैंसिल कर देते हैं और जो बच गया वो लिख देंगे। तो बचा है हमारे पास 2x+1 डिवाइडेड बाय 2√x+3 इज इक्वल्स टू 5/3। अब ये जो 2 है वो कैंसिल, अब ये रूट हमें कैंसिल करना है तो हम लिखेंगे स्क्वेयरिंग टू बोथ साइड। सो स्क्वेयर करते ही कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कि 4x+1 होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय √x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक साथ आते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचा है 4x+1 डिवाइडेड बाय x+3 इज इक्वल्स टू 25/9। अब हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 9 विल गेट मल्टीप्लाई विथ 4x+1 इज इक्वल्स टू 25 × x+3, तो ये हो जाएगा 36x+9 इज इक्वल्स टू 25x+75। सो 36x-25x इज इक्वल्स टू 75-9। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11x, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 66। सो x इज इक्वल्स टू 66/11, यानी आपका x का जो फाइनल आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4 विल बी 6। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर दिया है 4x+1 होल स्क्वायर प्लस 2x+3 होल स्क्वायर, और डिनोमेटर में दिया है 4x+12+9 होल स्क्वायर। अब ऊपर जो कि ब्रैकेट में दिया है तो नीचे की वैल्यू को भी हमको ब्रैकेट में ही लाना पड़ेगा, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो है a+b होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू a होल स्क्वायर + 2ab + b होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड में है इसे बोलेंगे एक्सपेंशन फॉर्म, और जो ये लेफ्ट हैंड साइड में है LHS में इसे हम लोग बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म यानी कॉम्प्रेस फॉर्म। सो कॉम्प्रेस फॉर्म कैसे निकाला जाता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिया जाए, फिर फर्स्ट साइन ली जाए, और फिर लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिया जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे 2x+3 होल स्क्वायर ये हम लोग लिखेंगे, तो a की जगह है 2x, b की जगह पे है 3, तो मैं लिख देता हूँ 2x होल स्क्वायर + 2 × 2x × 3 + 3 होल स्क्वायर। तो ये कैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4x² + 2 × 4, 4 × 3 = 12x + 9। तो यानी 2x+3 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन फॉर्म ये होता है। अब अगर इसका कॉम्प्रेस हमको निकालना है तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो 2x है ना, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, तो वो हो जाएगा 3। यानी ये पूरे टर्म की जगह पर हम लोग इसे ब्रैकेट में लिखना है तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 4x+1 होल स्क्वायर + 2x + 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए इसके जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 2x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61/36। तो अब हमें क्या करना है, नीचे सिंगल वैल्यू तो हम करेंगे बाय डिविडेंडो। जैसे ही आप डिविडेंडो करेंगे नीचे की वैल्यू आकर ऊपर माइनस हो जाएगी, तो इट विल बी 4x+1 होल स्क्वायर + 2x+3 होल स्क्वायर - 2x+3 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x + 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 61 - 36/36। ये सेम टर्म है अलग अलग साइन के साथ तो कैंसिल, सो 4x+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x+3 होल स्क्वायर इज इक्वल 61 - 36। अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25, और नीचे बचा है 36। अब ये स्क्वायर उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4x+1 डिवाइडेड बाय 2x+3 इज इक्वल्स टू √25। स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा एंड √36।
तो 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5 बाय 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 6 इंटू 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2x प्लस 3। सॉल्व करते हैं, इट विल बी 24x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 15। लाइक टर्म्स एक जगह लेंगे, ये एक्स एक्स जिसमें आ रहा है वो लाइक टर्म्स होते हैं, तो इट विल बी 24x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 15 माइनस 6, सो 14x इज इक्वल्स टू 9। x इज इक्वल्स टू 9/14, ये दोनों एक ही टेबल में नहीं जाते, तो यही हमारा फाइनल आंसर है फॉर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास दिया हुआ है वैल्यू, अगर इसे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो ग्रेटर वैल्यू नीचे आ रही है और जो स्मॉलर वैल्यू वो ऊपर है, तो हमें इसे इंटरचेंज करना पड़ेगा यानी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो बाय इन्वर्टेंडो हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं। सो इन्वर्टेंडो करने के बाद आपका आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में दो दो वैल्यू है, तो दो वैल्यू आते तो हमें पता है कि हमें करना है कंपोनेंट और डिविडेंडो। सो बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो ऊपर हम ये दोनों फ्रैक्शन को ऐड कर देंगे और नीचे यही दोनों फ्रैक्शन को हम लोग सबट्रैक्ट कर देंगे। राइट हैंड साइड में भी 189 प्लस 61 डिवाइडेड बाय 189 माइनस 61 कर देते हैं, तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो कि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो यहाँ पर वैल्यूज अंदर के चेंज हो आ जाएंगे, तो यानी यहाँ माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगी। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे, 189 प्लस 61 विल बी 250 और 189 माइनस 61 विल बी 128। ये दोनों एक ही टेबल में जाते हैं, 2 1 2 2 2 5 2 6 12 2 4 8। यहाँ पे भी जो सेम टर्म दिख रहे हैं अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल कर देंगे। जो हमारे पास बचा है वो है 2 टाइम्स 3x माइनस 4 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x प्लस 1 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाय 64। क्यूब उधर भेजेंगे तो हो जाएगा क्यूब रूट, ये 2 और 2 कैंसिल, 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 64। सो 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, क्यूब रूट ऑफ 125 हमें पता है 5 है और क्यूब रूट ऑफ 64 हमें पता है 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 1। सॉल्व करते हैं, इट विल बी 12x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 5x प्लस 5। सो लाइक टर्म्स एक जगह लाएंगे, 12x माइनस 5x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 16, 7x इज इक्वल्स टू 21, x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 7, तो आपका जो x का फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। सो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नेक्स्ट वीडियो जरूर से जाके चेकआउट कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलिया सर साइनिंग ऑफ, टेक केयर।